अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, मैं वानी यादव और आप देख रहे हैं हुंकार 24x7। बहुत बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से। मैं आपके साथ मौजूद हूँ साउथ दिल्ली से। हमारे साथ आज मौजूद है वार्ड 79S मदनगीर क्षेत्र से एज अ गेस्ट आम आदमी पार्टी के निगम पार्षद दिनेश कुमार जी। आइए इनसे जानते हैं कि हाल ही में एक मुद्दा सामने आया मदनगीर का कि शराब का ठेका जो कि गलत है और वो सामने आया है कि वो खुल रहा है। अंग्रेजी शराब का ठेका ठीक उसी के सामने है और उसी के अपोजिट रोड पर जो है एक देसी शराब का ठेका खुलने की बात सामने आई है। तो आइए जानते हैं कि इनका क्या कहना है। बहुत बहुत स्वागत है पहले तो सर आपका। आपका भी धन्यवाद, स्वागत है। जी तो हमें बताएं दिनेश जी कि जो शराब का ठेका जो सामने मुद्दा आया है ये हाल ही में कल का ही है मदनगीर क्षेत्र का, तो इसके बारे में आपका क्या कहना है कि ये जो खुल रहा है ये पब्लिक पॉलिसी क्या सही कर रही है, गवर्नमेंट सही कर रहा है? जी, गवर्नमेंट जो दिल्ली सरकार की जो पॉलिसी है वो दिल्ली के अंदर जो ठेके खोलने की पॉलिसी है वो तो बिल्कुल सही है, लेकिन इस पॉलिसी के साथ साथ माननीय श्री अरविंद केजरीवाल जी ने ये भी कहा हुआ है कि यदि कोई पब्लिक प्लेस के अंदर किसी RW या किसी जनता को अगर कोई दिक्कत होती है तो वहां से वो ठेका शिफ्ट कर दिया जाए, वहां पे ना खोला जाए। ऐसी हमारी पॉलिसी है आम आदमी पार्टी की। जी पॉलिसी है, लेकिन उसके लिए जो प्रोटेस्ट जो लोगों ने कल किया है और हमने खुद भी हम गए हैं विजिट किया है हमने और हाल ही में देखा हमने एक जो युवक था वहां पर नशे की हालत में पूरा उसको ध्यान ही नहीं है कि हम उसको कवर कर रहे हैं, वो इस हालत में वहां पर पड़ा हुआ था। वो गली जो थी पूरी भरी हुई थी लोगों से, पुलिसकर्मी नेता काफी सारे मतलब वहां पर लोग प्रोटेस्ट करते नजर आए। हाँ, और जो मोस्टली जो थे वहां पर जो पेरेंट्स जो थे, पेरेंट्स हमने देखे वहां पर उनका बहुत ही गंभीर, बहुत ही वो इमोशंस के साथ वहां पर मौजूद थे और उनका कहना था कि हमारे बच्चों के भविष्य के लिए ये बहुत ही गंभीर परेशानी जो है बनकर सामने आई है। देखिए मैडम, जो ये मेरा क्षेत्र है इसके अंदर जो जहरीली शराब जो लोग यहाँ पर फुटपाथ पर बेचते हैं, जो यहाँ पर घर घर नशा है, और एक ब्लॉक तो हमारा ऐसा है जो इस नशे के नाम से वो पूरे देश में हमारे शायद फेमस होगा, क्योंकि यहाँ पर जो साउथ इंडियन ब्लॉक है वहाँ पर नशा इस कदर बिकता है कि घर घर में आप जाकर आप नशा खरीद सकते हैं। हमने इसके विरुद्ध में पुलिस में भी कंप्लेंट दी थी और यहाँ पर एक हमने एक देने का वादा जो है वो दिल्ली पुलिस का है और यहाँ की जो हम जैसे जनता प्रतिनिधि हैं तो हम भी अपनी तरीके से जगह जगह मीटिंग कर हमेशा हम यही संदेश देते हैं कि नारी सम्मान के लिए भी हमने यहाँ पर काफ़ी यात्रा निकाली है जिसमें मैसेज दिया है कि भी सबको भी महिला सम्मान ही देश सम्मान है, ऐसा हमने जागरूक किया है। अजय दत्त जी भी कल मौजूद थे, जो ये किस्सा हुआ है कल का जो मामला सामने आया है ठेके का, तो उनका भी यही कहना है कि अगर पब्लिक ने कह दिया है तो नहीं खुलेगा ठेका जो है, वो नहीं खुलेगा क्योंकि पब्लिक ने कह दिया है। एक टिप्पणी में उन्होंने बात जो है पूरी कंप्लीट कर दी, तो क्या आपको लगता है कि अगर उन्होंने कह दिया है पब्लिक के हित में कह दिया है कि नहीं खुलेगा तो नहीं खुलेगा, क्या ये इसमें कितनी सच्चाई है? इसमें पूरी सच्चाई है कि अगर हमारे माननीय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी के पास भी अगर ये मैसेज जाए कि ठेका यहाँ नहीं खुलना चाहिए तो बिल्कुल ठेका नहीं खुलने देंगे। हमारे विधायक अजय दत्त जी ने अगर कह दिया है कि वहाँ ठेका नहीं खुलना चाहिए और मैं भी वहाँ ये कह रहा हूँ कि जहाँ जनता को ऐतराज है वहाँ पर ठेका नहीं खुलना चाहिए तो बिल्कुल नहीं खुलेगा। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ बनने के लिए। ये थे हमारे साथ दिनेश कुमार जी, निगम पार्षद वार्ड 79S मदनगीर से। इसी के साथ मैं वानी अनंत आपसे विदा लेती हूँ। तमाम खबरों के लिए देखते रहिए 24x7 हुंकार टीवी। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।